8.25 लाख की गाड़ी दोस्तों सिर्फ 4.25 लाख रुपए में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ से आप कोई भी गाड़ी लेंगे उसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। वीडियो से आएंगे तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भाई की तरफ से आएंगे तो हो जाएगा। स्वागत करता हूँ आरपी कार ब्लॉग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी कार ब्लॉग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसा कि चल रहा है, आप सभी जानते हैं नवरात्रि का पावन पर्व, तो आप सभी को आरपी कार ब्लॉग की तरफ से और अनुराग बोरी की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ही दोस्तों जैसा कि पावन पर्व चल रहा है, आपका भाई लेके आया है आपके लिए बहुत ही सारी गाड़ियाँ जो आप इस नवरात्रि अपने घर लेके आ सकते हैं, और काफ़ी कम प्राइस में होने वाली हैं दोस्तों सारी गाड़ियाँ। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अनुराग भाई थोड़े लो बजट की गाड़ी लेके आइए, तो आपके भाई ने 8 दिन तक कोई वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ ये ढूंढा कि गाड़ियाँ कम में मिल कहाँ रही हैं और अच्छी क्वालिटी में कहाँ मिल रही हैं। तो फाइनली अपन आ चुके हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के शोरूम में। यहाँ पे मिलती हैं आपको प्री ओन्ड मल्टी ब्रांड की गाड़ियाँ जो अशोर्ड होती हैं, पूरी कंपनी चेक होकर आती हैं, आपको कुछ भी नहीं करवाना पड़ता है। सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी कार ब्लॉग के एक और ब्रांड वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमसे जुड़ने वाले हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के ऑनर मिस्टर निहार रघुवंशी जी। तो निहार भैया, आपका स्वागत है वीडियो में। हाय एवरीवन। तो निहार भैया, आज अपने पास कौन कौन सी गाड़ी होने वाली हैं? सभी टाइप्स की गाड़ी मिल जाएंगी, और यहाँ पे मोस्टली सर्टिफाइड व्हीकल मिलेंगे जो एक्सीडेंटल नहीं रहेंगे, और कंपनी से मतलब सर्टिफाइड व्हीकल्स मिलेंगे आपको। मतलब कोई भी एक्सीडेंटल वगैरह मीटर पीछे वाली गाड़ी अपने पास नहीं मिलेंगी? नो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का ऑफिशियल शोरूम है, यहाँ पे आपको जो भी गाड़ियाँ मिलती हैं वो आपको पूरी अशोर्ड मिलती हैं, आपको कुछ भी नहीं करवाना पड़ता है। तो भैया, नवरात्रि का वीक चल रहा है, बहुत से लोग गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, तो आज अपने पास कौन कौन सी गाड़ी होने वाली हैं? अपने पास रेनॉल्ट डस्टर है, अर्टिगा है, सफारी है, बोलेरो है, डिजायर है, i10 है, और है, और भी बहुत कुछ है अभी स्टॉक में। मतलब सारे ब्रांड की गाड़ियां हैं, सारे ब्रांड की गाड़ियां हैं। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। तो भैया, आज की पहली गाड़ी कौन सी होने वाली है? पहली गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर कब का मॉडल होने वाला है? 15 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। इसका अपन ने आस्किंग प्राइस रखा है 5,75,000। 5,75,000 में 2015 मॉडल की डिजायर मिल जाएगी। इंश्योरेंस का कंप्लीट है? इंश्योरेंस इसका नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट है, अगस्त तक कंप्लीट है अभी। ये कितने किलोमीटर रन होगी भैया? ये 48,000। तो दोस्तों पहली गाड़ी जो होने वाली है वो होने वाली स्विफ्ट डिजायर, सिर्फ 48,000 चली है, 2015 का वेरिएंट है, इंश्योरेंस कंप्लीट है, 5,70,000 आस्किंग रखे हैं। और थोड़ा बहुत आपको मैं ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, गाड़ी कंडीशन बहुत अच्छी है। मैं कैमरा में से बोलूँगा कि गाड़ी का जो साइड थोड़ा सा साइड व्यू है वो दिखाने की कोशिश करें, और अंदर से भी काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। हाँ, थोड़ा आप अंदर से भी इसकी डिटेल ले सकते हैं। मतलब ये जितनी भी गाड़ी अपन को मिलती है सारी ऐसे ही मिलती है, मतलब कुछ करवाना नहीं पड़ता लगभग सभी इसी 90% इसी कंडीशंस में रहती हैं। बट आप लोअर में जाएंगे 2009-10 तो उसमें थोड़ा कंडीशन का फर्क तो आ सकता है, थोड़ा फर्क आएगा। हाँ, बाकी एक्सीडेंटल नहीं होगी गाड़ी? नो, एक्सीडेंटल नहीं रहेगी, यहाँ सर्टिफाइड भी रहेगा। चलिए, ये तो हो गई डिजायर की बात, आप दिखाते हैं ये वाली गाड़ी, ये कौन सी होने वाली भैया? ये 2017 टाटा टिगोर टॉप मॉडल है, एग्जेट। अच्छा अच्छा, ये डीजल में है? नहीं, पेट्रोल में। अच्छा, ये पेट्रोल में होने वाली है। तो ये कितने ड्रिवन है भैया? ये 58,000 किलोमीटर चली हुई है। 58,000 चली हुई है, और इंश्योरेंस वगैरह इसका पूरा? इंश्योरेंस वैलिड है इसका। इसका इंश्योरेंस वैलिड है। अच्छा, ये बेसिकली टॉप मॉडल है ना? टॉप मॉडल है, एग्जैक्ट। अब देखते हैं दोस्तों, अलॉय व्हील भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि ये टॉप वेरियंट है। इसमें आपको ORV में भी इंडिकेटर का साइन मिल जाता है, और गाड़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी, और नए वेरिएंट में ना, 17 वेरिएंट है ना, 2017 वेरिएंट में। इसका आस्किंग क्या रखें भैया आपने? इसका आस्किंग है 4,25,000। हाँ, वैसे नई तो ये काफ़ी महंगी आती है। ये ऑन रोड प्राइस लगभग इसका 8.25 लाख। 8.25 लाख की गाड़ी दोस्तों सिर्फ 4.25 लाख रुपए में आपको यहाँ पे मिलने वाली हैगी, और यही खासियत है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की, आपको अशॉर्ट व्हीकल के साथ साथ प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है। और बहुत दिन से भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि अनुराग भाई कम प्राइस की गाड़ी लेके आइए, तो आज जितनी भी गाड़ी होने वाली है सारी ऐसे ही प्राइस में होने वाली हैं। तो भैया, अब चलते हैं थोड़ी अगली गाड़ी की ओर। ये कौन सी होने वाली भैया? ये हुंडई i10 2009 मॉडल, इसका आस्किंग प्राइस है 2,05,000। देखो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा और कम बजट था तो अपने पास अच्छे ब्रांड की Hyundai की i10 मिलने वाली है। ये फर्स्ट ओनर पे गाड़ी भी है? फर्स्ट ओनर गाड़ी, 48,000 चली हुई है। हाँ, अब इसकी लाइट से ही समझ आता है कि काफ़ी कम चली हुई है, क्योंकि येलो भी नहीं पड़ी है अभी तक। जी जी, ये तो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ काफ़ी मतलब डल टाइप की हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 2 लाख का बजट था तो कितनी चली है? 48,000 में आपको i10 मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है दोस्तों। इंश्योरेंस इसका? इंश्योरेंस वैलिड है। इंश्योरेंस का वैलिड है, और शायद इसके टायर भी चेंजेस हुए पीछे वाले। टायर चेंजेस है।
तो दोस्तों अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको टायर वगैरह भी कुछ चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और अगर आप भाई जबलपुर से देख रहे हैं तो आपको लोकल नंबर मिल जाएगा MP20 में। तो इसकी आस्किंग अपन ने बताए थे 2,05,000 इसका आस्किंग है। और अगर अपने थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाते भी वीडियो से आएंगे तो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई की तरफ से आएंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया चलते हैं अगली गाड़ी की ओर। तो ये कौन सी होने वाली है? मारुति सुजुकी अर्टिगा। अच्छा अर्टिगा 2013 मॉडल है, सेकंड ओनर है ये, सेकंड ओनर पे है 2013 है। कौन सा वेरिएंट है ये? VDI है, मतलब डीजल का एवरेज का पूरा ख्याल रखा है आप लोगों ने जी जी। तो ये कितनी चली हुई है भैया? ये चली हुई है 60,000 के आसपास चली हुई है। और इसकी काफ़ी डिमांड है अभी मार्केट में, मैंने देखा है कि मिल नहीं रही लोगों को। हाईएस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट है ये मारुति सुजुकी। बेसिकली क्या है, इसमें अपन 7 लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं और ऊपर से एवरेज भी अच्छा देती है। एवरेज इसका लगभग 20 के लगभग एवरेज है, 20 के आसपास ना, वही डिजायर वाला इंजन ही मिलता है, डिजायर वाला इंजन। हाँ तो दोस्तों अगर आपको अच्छे एवरेज वाली गाड़ी चाहिए थी वो भी थोड़ी, क्या इसका आस्किंग होने वाला भैया? आस्किंग प्राइस है इसका 5,60,000। 5,60,000 में आपको मिलेगी 7-सीटर गाड़ी, वो भी मारुति सुजुकी की कंपनी की तरफ से, जो आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके टायर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये कितनी चली हुई है अभी? ये 60,000 चली हुई, 60,000 चली हुई है। इंश्योरेंस वगैरह इसका? इंश्योरेंस वैलिड है, इंश्योरेंस भी वैलिड है। तो 5,60,000 में आपको मिल जाएगी मारुति सुजुकी अर्टिगा। भैया अर्टिगा तो काफ़ी शानदार थी, अब अगली कौन सी होने वाली है? रेनॉल्ट डस्टर 2013 मॉडल। अच्छा वैसे ये भी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है और काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। टायर अभी 100% है इसके, न्यू टायर्स। अच्छा न्यू टायर्स चले हुए हैं। कब का मॉडल बताया आपने? 2013 की है रेनॉल्ट डस्टर। और चली कितनी की भी है ये? 58,000 किलोमीटर। और इंश्योरेंस वगैरह से कंप्लीट है? इंश्योरेंस वैलिड है। दोस्तों 58,000 चली रेनॉल्ट डस्टर 2013 का वेरियंट आपको मिल जाएगा महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के ऑफिशियल शोरूम में। क्या आस्किंग रखें भैया इसकी? आस्किंग प्राइस इसका रखा है अपन ने 5,20,000। 5,25,000 में डस्टर मिलने वाली है और इसके टायर वगैरह भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, मतलब काफ़ी अच्छे नए टायर हैं इसके, मतलब कुछ करवाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से आप कोई भी गाड़ी लेंगे उसमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो यही एक खास बात है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की दोस्तों, कि आपको कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। देखिए टायर तक आपको यहाँ पे चेंज मिल रहे हैं। तो दोस्तों 5,20,000 में आपको मिल जाएगी ट्रेनो की डस्टर। अब चलते हैं अगली गाड़ी की ओर। तो अब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ी लेके आ रहे हैं अपन, ये कौन सी होने वाली भैया? महिंद्रा बोलेरो ZLX। महिंद्रा की बोलेरो ZLX वेरिएंट में बहुत से लोग ढूंढ रहे थे, कब का वेरिएंट होने वाला भी है ये? 2015 की आपको ZLX मिल जाएगी। और इसी वेरिएंट में बहुत से लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि 17-18 का वेरिएंट काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, लेकिन 15 का वेरिएंट काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाता है। अब ये कितनी चली हुई है भैया? ये चली है 58,000 किलोमीटर। इंश्योरेंस का कंप्लीट है? इंश्योरेंस कंप्लीट है। और दोस्तों इसके टायर की प्रोफाइल भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, आपको टायर तक चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। और इसका इंश्योरेंस कंप्लीट था ना? इंश्योरेंस कंप्लीट है। क्या आस्किंग होने वाली भी है इसकी? इसका है 6,15,000। 6,15,000 काफ़ी अच्छा प्राइस है दोस्तों। 6,15,000 में आपको महिंद्रा की बोलेरो मिल जाएगी, मात्र कितनी चली थी? 58,000 चले हुए, इंश्योरेंस कंप्लीट है, टायर ऑलमोस्ट नए हैं। दोस्तों ये तो रही कार्स की बात, लेकिन और भी बहुत सी खास बातें जो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस को बाकी कार डीलर से खास बनाती है, तो वो सीधे आपसे भैया से बताते हैं। भैया जो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और क्या मिलता है अगर कोई कस्टमर आता है लेने? तो यहाँ वॉशिंग का पैकेज मिलेगा एक हर गाड़ी के साथ, जो 2 महीने तक वैलिड रहेगा। अच्छा, मतलब 2 महीने तक अगर कोई बंदा कार लेता है, 2 महीने आप बोल सकते हैं, 3 या 4 ऐसा कुछ होता है ना। दोस्तों अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हैं तो आपको 4 वॉशिंग फ्री मिलेगी। ये सिर्फ लोकल वालों के लिए कि हर किसी के लिए? नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए। वैसे कोई बाहर जा रहा है तो बाहर से वॉशिंग कराने तो आएगा नहीं, तो जब भी आएंगे तब करा सकते हैं, तब करा सकते हैं। तो भाई लोग ये रही, और बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह है, फाइनेंस की फैसिलिटी अपने अवेलेबल है? सभी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी है, फाइनेंस भी है, महिंद्रा फाइनेंस, AU फाइनेंस, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको फाइनेंस मिल जाएगा यहाँ। मतलब जैसे कोरोना के कारण क्या हो रहा है, बाहर का फाइनेंस अभी नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं, सभी हो जाएगा, अब सब हो रहा है, चालू हो गया, सभी हो जाएगा। क्योंकि जब अपने यहाँ का पिछला वीडियो कवर किए थे तो जो बड़े वाले भैया थे उन्होंने बताया था कि अभी सिर्फ लोकल हो पा रहा है, तो अब अवेलेबल हो चुका है? नहीं, अभी सभी जगह का हो रहा है फाइनेंस। तो दोस्तों अगर आप MP में से या पूरे इंडिया में से कहीं से भी देख रहे हैं तो आप लोग का फाइनेंस अवेलेबल है और काफ़ी कम इंटरेस्ट में यहाँ पे फाइनेंस हो जाता है। तो दोस्तों आशा करूँगा आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और एक बार फिर से आप लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करेंगे कि आप महिंद्रा फर्स्ट चॉइस आए। अगर आपको गाड़ियाँ कोई भी पसंद आती हैं तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, भैया का एड्रेस प्रॉपर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी डील ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय।